सारे गामा कारवा, कमाल की चीज। इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ, और आज एक बार फिर से लेकर आई हूं कुछ ऐसे गाने जो आपका दिन बना देंगे और आपको उन खूबसूरत दिनों की याद दिलाएंगे जो आप शायद फिर से जीना चाहते होंगे। और एक ऐसे आर्टिस्ट की बातें लेकर आई हूं मैं जिनका म्यूज़िक सुनना किसी इबादत से कम नहीं होता है, जिन्होंने ट्रेडिशनल मिस्टिक म्यूज़िक के साथ मॉडर्न फास्ट बीट्स को मिक्स किया, वो जिन्हें हम सूफी मास्टर कहते हैं, वो जिनका नाम है नुसरत फतेह अली खां साहब, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉइसेस एवर रिकॉर्डेड। नुसरत साहब के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंज होती थी, वो घंटों तक हाई लेवल पर गाने गा सकते थे विद द सेम लेवल ऑफ इंटेंसिटी। वैसे तो वो पाकिस्तानी सिंगर हैं पर हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी उनका बहुत बड़ा नाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं वो शख्स जिन्हें हम नुसरत फतेह अली खां साहब के नाम से जानते हैं, बचपन में उनका नाम कुछ और ही था। क्या था उनका नाम और क्यों और कैसे उनका नाम नुसरत पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है, सुनाऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले सुनाती हूँ आपको वो गाना जो आज भी बेहद खूबसूरत है और लोगों को बहुत पसंद है। एक ऐसा गाना दैट इज सिनोनिमस टू नुसरत साहब नेम, आफरीन आफरीन, सुनिए जरा। उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे शाह हुआ दिल खशो दिल नशी, संदली संदली मरमरी मरमरी, संदली संदली मरमरी मरमरी, आफरी 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 आफरी। उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। प्यारे 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 तर भी न लगना
नहीं मारा जिया रे हो तार बिना लागे नहीं मारा जिया रे नैना ने थारी कैसा जादू किया रे तार बिना लागे नहीं मारा जिया रे हो तार बिना लागे नहीं मारा जिया रे प्यारे 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 तार बिना लागे नहीं मारा जिया रे ओ तार बिना लागे नहीं मारा जिया रे सारे गामा कारवा कमाल की चीज। इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। समझी है
कैसा इकरार है अल्लाह अल्लाह, कैसा ये प्यार है अल्लाह अल्लाह। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। वैसे नुसरत साहब पहले ऐसे पाकिस्तानी सिंगर हैं जिन्होंने 600 साल पुराना कव्वाली ट्रेडिशन इंटरनेशनल ऑडियंस को इंट्रोड्यूस किया। आज हम नुसरत फ़तेह अली खां साहब के कुछ गाने आपको सुना रहे हैं, और कव्वाली सूफीज़ का डिवोशनल म्यूज़िक है, और नुसरत साहब के कंट्रीब्यूशन ने उन्हें शहनशाह कव्वाली का टाइटल दिया था। 1964 में नुसरत जी के पिता फ़तेह अली साहब का देहांत हो गया था, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही नुसरत साहब को अपने दोनों भाई मुबारक अली खां और सलामत अली खां के हवाले कर दिया था, ताकि वो सूफ़ी म्यूज़िक में और भी बेहतरीन हो सके। पर क्या आप जानते हैं, उनके पिता ने उनका नाम परवेज़ रखा था, लेकिन एक बार वो ग़ुलाम समदानी जी के पास गए थे म्यूज़िक सीखने के लिए, कुछ तालीम लेने के लिए, और उस दिन ग़ुलाम साहब ने उनका नाम परवेज़ से नुसरत कर दिया था। नुसरत का मतलब विक्ट्री यानी कि जीत, और उनका ये कहना था कि इस नाम के साथ तुम बहुत बड़े सिंगर बनोगे और इस इंडस्ट्री में जीत हासिल कर पाओगे, और ऐसा ही कुछ हुआ भी। वैसे नुसरत साहब के पिता बचपन में नहीं चाहते थे कि वो उनकी फैमिली की तरह ही कव्वाली सीखें। क्यों ऐसा था और क्या बनाना चाहते थे वो नुसरत साहब को, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले सुनते हैं ये खूबसूरत गाना, मैं और मेरी आवार की, वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं रुचि आपके साथ। जिसकी बातें खूब उससे अजब थी गुफ्तगू,
उससे अजब थी गुफ्तगू, फिर यूं हुआ वो हो गई तो मुझको जिद सी हो गई, लाएंगे उसको ढूंढ कर मैं और मेरी आवारगी। सारे गामा कारवा कमाल की चीज। इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें।
वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। आज नुसरत साहब के सभी गाने मैं यानी कि रुचि आपको सुना रही हूँ और ये सारे गाने मेरे डिजिटल ऑडियो प्लेयर सारेगामा कारवा से हैं। आई होप आपको अच्छे लग रहे हों। कव्वाली का ट्रेडिशन तो सालों से नुसरत फ़तेह अली खां साहब के परिवार में चलता आ रहा था, लेकिन इनके पिता फ़तेह अली खां नहीं चाहते थे कि नुसरत जी भी वही ट्रेडिशन फॉलो करें। वो चाहते थे कि नुसरत साहब डॉक्टर या इंजीनियर बने, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि कव्वाली आर्टिस्ट को एक अच्छा सोशल स्टेटस नहीं मिलता था और डॉक्टर और इंजीनियर का करियर ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होता था। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था नुसरत साहब के लिए। जिस परिवार में 600 साल पुराना ट्रेडिशन चलता आ रहा है, वो भला म्यूज़िक से परे कैसे होता। नुसरत साहब की रग रग में सूफी म्यूज़िक था और उसी समय कलकत्ता के पॉपुलर क्लासिकल सिंगर पंडित दीनानाथ जी पाकिस्तान आए थे। वो नुसरत साहब के पिता को पहले से ही जानते थे, तो इसीलिए रहने का फैसला उन्होंने इन्हीं के साथ में किया। एक दिन फ़तेह साहब, नुसरत साहब के पिता, उन्होंने पंडित जी से पूछा कि उन्हें पाकिस्तान कैसा लगा, तो जवाब में ये आया कि वो पाकिस्तान से बिल्कुल खुश नहीं थे, यूज़लेस था उनके लिए पाकिस्तान आना। पंडित जी चाहते थे कि वो पाकिस्तान में परफॉर्म करें, लेकिन वो नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय एक ट्रेडिशन हुआ करता था, सारे सिंगर्स एक तबला वादक के साथ, एक तबला प्लेयर के साथ में ही परफॉर्म करते थे, वो अकंपनी करते थे उन्हें, और उन्हें पाकिस्तान बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि वहाँ पर कोई अच्छा तबला वादक नहीं था। तो ये बात सुनकर के फ़तेह साहब बड़े टेंशन में आ गए कि भाई इनको तो बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ा है हमारे इस शहर का, हमारे देश का, हमारे परिवार का, हमारे रीति रिवाज का। तो कुछ ऐसा किया उन्होंने जिससे नुसरत साहब का करियर भी आगे बढ़ गया और साथ ही पंडित जी को पाकिस्तान भी अच्छा लग गया। क्या था वो बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले सुनते हैं अगला गाना तेरी याद, नुसरत साहब की आवाज में, वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। सपना है या कोई साया, तुझे मैंने दिल में बसाया। Love this episode.
offline this video now and enjoy this show anytime, anywhere. हर खुशी तुमसे है, मेरा गम और मेरी हर खुशी तुमसे है। जाने मन ये मेरी जिंदगी तुमसे है, मेरा गम और मेरी हर खुशी तुमसे है। जाने मन, जाने मन, जाने मन, जाने मन, मेरा गम और मेरी हर खुशी तुमसे है। जाने मन, ऐ मेरी जान जा, ऐ मेरी मेहरबा, तुमसे रंगीन है ये जमीन आसमान। ऐ मेरी जान जा, ऐ मेरी मेहरबा, तुमसे रंगीन है ये जमीन आसमान। तुमसे आबाद है मेरे दिल का जहां, तुम मेरा चांद हो चांदनी तुमसे है। मेरा गम और मेरी हर खुशी तुमसे है। I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. अब क्या सोचे क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा। अब क्या सोचे क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा। पहले सोचा होता पागल, अब रो क्या सोच क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा। यार से गम कह कर तो खुश हो, लेकिन
वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आज के शो में, जहां पर मैं नुसरत फ़तेह अली खां साहब की बातें कर रही हूं और उन्हीं के गाए हुए कुछ बेहतरीन क्लासिक गाने आपको सुना रही हूं। नुसरत साहब ने सबसे पहले कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अगर सीखा था तो वो था तबला। सुना है उन दिनों, जैसा मैं आपको बता रही थी, क्लासिकल सिंगर्स एक सीरियस एडिक्शन में थे। उनको आदत थी कि वो अकेले कभी भी स्टेज पर नहीं गाएंगे, एक तबला वादक साथ में ज़रूर होना चाहिए। और तब, जैसा मैं कुछ देर पहले आपको बता ही रही थी, कि पंडित दीनानाथ जी पाकिस्तान पहुँचे हुए थे और वो नाखुश थे कि उन्हें कोई तबला प्लेयर नहीं मिल रहा है। तो फ़तेह साहब को, नुसरत साहब के पिता को, याद आया कि उनके छोटे कलाकार यानी नुसरत जी हारमोनियम के साथ साथ तबला भी तो बजाते हैं और काफ़ी अच्छा ही बजा लेते हैं। तो उन्होंने तुरंत अपने बेटे नुसरत को बुलाया और कहा कि पंडित जी बहुत नाखुश हैं कि कोई तबला नहीं बजा रहा है, ज़रा तुम बजा के बताओ। पहले तो पंडित जी हंस दिए, क्योंकि नुसरत साहब उम्र में इतने छोटे थे और अपने कद के लिए काफ़ी मोटे भी थे। तो फ़तेह साहब ने कहा कि आप इसके मोटापे पे या फिर छोटे होने पर मत जाइए, इसके अंदर टैलेंट जो है वो भर करके है। पंडित जी वैसे तो काफ़ी नाखुश ही थे इस आइडिया से कि नुसरत साहब बजाएं उनके साथ तबला, लेकिन उन्होंने एक चांस देने का सोचा। और जैसे ही पंडित दीनानाथ जी ने नुसरत साहब को तबला बजाते हुए सुना तो उनकी आँखों में आंसू आ गए थे। पूरा कॉन्फिडेंस जैसे उनके अंदर फिर से आ गया था। उन्होंने एक स्टेज शो किया जहाँ पर नुसरत साहब ने उनके लिए तबला बजाया और उसके बाद आकर के पंडित जी ने फ़तेह साहब को, नुसरत साहब के पिताजी को, कहा कि कोई डॉक्टर इंजीनियर बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने बेटे को, तुम्हारा बेटा म्यूज़िक में ही रहेगा। और बस वहीं से शुरू हो गया नुसरत साहब का म्यूज़िक का करियर। चलिए इसी बात पर सुनाती हूँ आपको अगला गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर, मैं रुचि आपके साथ। भी मिल नहीं सकता चैन किते भी, सुन यारा गम खारा दिलदार, सुन यारा सुन यारा गम खारा
दिल दा तेरा ना तेन तकदा रवा मेरा जी करदा तेन तकदा रवा मेरा जी करदा तेन तकदा रवा भी मिल नहीं सकता चैन किते भी नहीं सुन यारा गम खारा दिलदारा आपसे मिलके हम बदल से गए शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए हमको लोगों से मिलने का कब शौक था महफिल आराई का कब हमें शौक था हमको लोगों से मिलने का कब शौक था महफिल आराई का कब हमें शौक था आपके वास्ते हमने ये भी किया मिलने जुलने लगे आने जाने लगे आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए हमने जब आपकी देखी दिलचस्पियां अगनी चंद हमने भी तब दीदिया हमने जब आपकी देखी दिलचस्पियां अगनी चंद हमने भी तब दीदिया एक मुसव्विर से भी हो गई दोस्ती और गजलें भी सुनने सुनाने लगे आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए। वीकेंड क्लासिक के न्यू एपिसोड्स हर थर्सडे रिलीज होते हैं सो प्लीज सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द ऐप ताकि हम हर हफ्ते कुछ नई कहानियों और गानों के साथ मिलते रहें। कुछ ना कहा तो कुछ
कुछ ना सुना तो यूं ही ढल जाएगी ये शाम, फिर नहीं आएगी ये शाम, फिर नहीं आएगी कुछ ना कहा तो कुछ ना सुना तो यूं ही ढल जाएगी ये शाम, फिर नहीं आएगी ये शाम। आज ही कर लो दिल की बात, कल पछताओगे। आज अगर तुम पास ना आए फिर कब आओगे। ये पल बीत गया तो जानम कहाँ जाओगे। तन्हाई का दर्द कभी तुम सह ना पाओगे। ये शाम फिर नहीं आएगी ये शाम। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। नुसरत फतेह अली खास साहब की ज़िंदगी के कुछ पन्नों को पलट रही हूं आज मैं यहां पर। वैसे ज़्यादा कुछ कहा सुना या लिखा पढ़ा नहीं गया है नुसरत साहब के बारे में, लेकिन एक बात जो कि ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं और मुझे कहीं कहीं से पता चली, वो ये थी कि नुसरत साहब एक इंसान से हमेशा मशवरा लिया करते थे, और वो और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के छोटे भाई थे, फारूक फतेह अली खान। वो मानते थे कि फारूक फतेह अली खान साहब का म्यूज़िक में टेस्ट बहुत ही अच्छा है, और उससे भी ज़्यादा वो लिरिक्स को समझ पाते हैं। तो कोई और लिरिसिस्ट चाहे गाना लिखता हो, लेकिन पहले वो उस गाने को अपने भाई के पास लेकर जाते थे। उनका भाई अगर कहता था कि नहीं नहीं लिरिसिस्ट से कहो कि ये शब्द चेंज करे और इस लाइन को ऊपर नीचे करें, तो वो लिरिसिस्ट के पास जा करके वो चेंजेस करवाते थे, उसके बाद ही उस गाने के लिए म्यूज़िक देते थे या उस गाने को गाते थे। नुसरत साहब ने काफ़ी पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया और उनके वो गाने इंडिया में भी बहुत हिट हैं, लेकिन उनके चले जाने के पहले उन्होंने 3 बॉलीवुड फिल्मों में भी म्यूज़िक दिया था। और प्यार हो गया, कारतूस और कच्चे धागे। कच्चे धागे के लिए तो इनफैक्ट ये बात हो रही थी कि 2 म्यूज़िक कंपोज़र्स होने चाहिए, क्योंकि नुसरत साहब का म्यूज़िक कंपोजिशन का तरीका अलग ही था। लेकिन नुसरत साहब ने साइन करने के पहले ही एक शर्त रख दी थी कि लता जी जो गाना गाएंगी वो मैं ही कंपोज करूँगा, तो मैं इस फिल्म में काम करूँगा, नहीं तो मुझे ओके बाय कह दो। इस शर्त को माना गया और उसके बाद में नुसरत साहब ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज़ किया। अनफॉर्चुनेटली फिल्म रिलीज़ होने के पहले ही नुसरत साहब नहीं रहे थे, लेकिन उनकी जो एक तमन्ना थी कि वो लता जी से गाना गवाएं, वो इस फिल्म के साथ में पूरी ज़रूर हुई थी। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ये शो पसंद आया हो। मेरा हो चला है जाने का वक्त, लेकिन जाते जाते आपके लिए नुसरत साहब के कुछ और गाने। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं रुचि आपके साथ।
तेरा हाथ है महकी हुई हर रात है। ओ प्यार से दोगी दो मेरे सपने हैं खिले खिले तेरे मेरे प्यार का ये रिश्ता कभी ना टूटे हमसे जमाना चाहे रूठे। तेरे मेरे प्यार का ये रिश्ता कभी ना टूटे हमसे जमाना चाहे रूठे। तेरे मेरे प्यार का ये रिश्ता कभी ना टूटे हमसे जमाना चाहे रूठे। मेरे हाथ में तेरा हाथ है कभी ना टूटे हमसे जमाना चाहे रूठे। मेरे हाथ में तेरा हाथ है। रिश्ता कभी ना टूटे हमसे जमाना चाहे रूठे। मेरे हाथ में तेरा हाथ है। एक माइया तेरी याद ना भूलती बाकी
क्लासिक रेडियो शो को आप एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स।
hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ. मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से, कहानियाँ और आपके पसंदीदा गानों के साथ.